गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है और आज के इस सेशन में मैं आपको कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स और फास्ट स्टार्ट 8% के बेनिफिट्स बताऊंगा जो हमारे बिजनेस में चार चांद लगा देंगे और हमारा चेक साइज ग्रो करने में काफी मदद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंसिस्टेंसी होती क्या है। देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कोई भी काम बार बार करना और निरंतरता से करना। तो देखिए, इसमें कंसिस्टेंसी केवल वेस्टीज बिजनेस में ही नहीं, कंसिस्टेंसी हर बिजनेस में यूजफुल होती है और इम्पॉर्टेंट होती है। अब कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि देखिए, अगर हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई नया रेस्टोरेंट हमारे आसपास खुलता है और हम पहली बार जाते हैं, वहाँ पर हमें खाना अच्छा लगता है, हम दोबारा दोबारा भी गए, लेकिन अगर उसने वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दी, मतलब वो क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं मिली, हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो रेस्टोरेंट्स को भी एक कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, तभी बार बार कस्टमर्स आते हैं। उसी तरह से कुछ एग्जांपल्स और मैं देना चाहूँगा। एक हॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर एक्टर है आर्नोल्ड, जो जब इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आए थे तब काफ़ी दुबले पतले थे, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंट बार बार कंसिस्टेंटली वर्कआउट किया और वो मिस्टर वर्ल्ड बन गए। और उसी तरह से एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा, युवराज सिंह एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर है और उनको सब लोग जानते हैं, लेकिन जब उनकी स्टार्टिंग हुई थी, जब वो 10 साल के थे, उनके पिताजी उनको नवजोत सिंह सिद्धू जी के पास लेके गए थे और सिद्धू जी ने उन बोला था कि ये इनकी टेक्निक जो है वो अच्छी नहीं है, इनके पास कोई स्किल्स नहीं है, ये कभी भी क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये बात उनके फादर को चुभ गई और उन्होंने युवराज सिंह की काफ़ी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कराई और वो एक बहुत ही सफल क्रिकेटर बने। इसी तरह से हम अगर अपनी लाइफ में किसी भी काम पे, चाहे हम जॉब करते हो या कोई भी बिजनेस करते हो, अगर हमारी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होगी तभी हम सफल हो सकते हैं, तभी हम अर्निंग कर सकते हैं। तो सक्सेस पाने के लिए हमें कुछ कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने होंगे और कुछ चीज़ बार बार करनी होगी। वेस्टीज बिजनेस में वेस्टीज कंपनी ने हमें एक शानदार स्कीम दी है, कंसिस्टेंसी स्कीम, जो हमें सफलता के काफ़ी करीब पहुंचाने में मदद करती है। तो देखिए, हमारे पास दो स्कीम्स होती हैं। सबसे पहले एक होती है 100 PV की स्कीम, जिसमें अगर हम लगातार 4 महीने तक 100 PV का सामान खरीदते हैं 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में, तो हमें चौथे महीने में 2500 रुपये का सामान फ्री मिलता है अपनी चॉइस का, जिसमें कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के अलावा जैसे जो हमारी मिस्टर मिलान है, वेलिनो है, स्किन फॉर्मूला 9 है और ड्यू गार्डन है, उन रेंज को छोड़ के, उन प्रोडक्ट रेंज को छोड़ के बाकी किसी भी प्रोडक्ट रेंज के हम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं कितनी भी क्वांटिटी में। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, हमें चॉइस भी मिल जाती है। उसके बाद हमारी एक 60 PV की स्कीम होती है, जिसमें जो लोग कहते हैं कि हमें 100 PV का सामान हमारे घर में यूज़ नहीं होता, हालांकि मैं प्रूव करूँगा अभी कि आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 100 PV की नहीं ले सकते हैं तो आप 60 PV की स्कीम ले सकते हैं, जिसमें आप 2000 से 2200 रुपये का सामान अगर खरीदेंगे लगातार 4 महीने तक, तो आपको एक फिक्स पैक मिलेगा, जिसमें आप दो ऑप्शंस हैं, एक पैक नंबर 1 है, एक पैक नंबर 2 है, वो 1250 रुपये का है, आपको चौथे महीने में वो पैक मिल सकता है, लेकिन उसमें आपकी पूरी चॉइस नहीं है, जो कंपनी ने 2 पैक बनाए हुए हैं उसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ये दोनों ही स्कीम आपको 12 तारीख से पहले करनी पड़ती है और इसके कुछ रूल्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो नए लोग ज्वाइन होते हैं उनको सारे रूल्स पता नहीं होते और कभी कभी हो सकता है गलती हो सकती है। तो देखिए, वेस्टीज ने काफ़ी आसान बना दिया है, पहले ये हमें एक सिंगल बिल करना होता था, लेकिन अब मल्टीपल बिल्स अलाउड हैं, आप 100 PV का मल्टीपल बिल्स भी करा सकते हैं, चाहे 1 बिल में कराएं, 2 बिल में कराएं, 3 बिल में कराएं, लेकिन वो 12 तारीख से पहले होना चाहिए। उसी के साथ साथ आप 60 PV का भी बिलिंग मल्टीपल बिल्स में करा सकते हैं। इसके अलावा आप 4 साइकिल्स रन कर सकते हैं 100 PV की या 60 PV की, मतलब एक महीने में आप 400 PV का ही बिलिंग करा सकते हैं, जिसमें कुछ आप घर में यूज करिए, कुछ आप सेल कर दीजिए। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं 100 PV की तो सेल्फ यूज करता हूँ और 100 PV से ज़्यादा मैं सेल कर देता हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 12 तारीख के बीच में करूँ, जिससे कि मुझे और बेनिफिट मिल सके। जो 4 महीने बाद आपको 2500 रुपये का सामान फ्री मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री होगा, तो
आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और बेनिफिट्स काफी ज्यादा होगा जो अभी आपको आगे कैलकुलेशन में मैं समझाऊंगा। इसके अलावा जो भी हमारी कंसिस्टेंसी का बिल होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, कोई भी लिटरेचर नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे कैटलॉग्स वगैरह नहीं होने चाहिए। और ये नॉर्मली 12 तारीख तक होती है, कभी कभी वो स्कीम कभी कभी वो स्कीम एक्सटेंड हो जाती है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन नॉर्मली आपको 12 तारीख तक करना है। कभी भी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, सबसे बेस्ट है कि आप 2 तारीख को करिए। और 2 तारीख को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने एक कंसिस्टेंसी डे भी बनाना शुरू किया है जो हर महीने की सेकेंड को होता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप एज अ लीडर आप सेकेंड को अपनी बिलिंग डालिए, जब आप डालेंगे तभी आपके टीम में भी वो डुप्लीकेट होगा, क्योंकि देखिए हमारा बिजनेस एक डुप्लीकेशन का काम है और जैसा हम करेंगे वैसी हमारी टीम में भी डुप्लीकेट होगा। तो आप देखिए कंसिस्टेंसी स्कीम के और फायदे क्या हैं वो मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए आपको बताऊंगा। देखिए 100 पीवी स्कीम में आपको करना क्या होता है, आपको 3600 रुपए एमआरपी का सामान खरीदना होता है। 3600 रुपए का एमआरपी का सामान खरीदने पे आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, तो आपको आपका जो बिल बनता है जो आपको पेमेंट करना होता है वो केवल 3000 का करना होता है। तो आपको 4 महीने में 12000 रुपए खर्च करने होंगे और सामान खरीदना होगा। आपकी जो बचत होगी ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गई तो आप आगे भी अगर समझाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको रिटेल प्रॉफिट मिला 10-20% का, लगभग 600 रुपए का। इसके बाद आपको 300 रुपए का फ्री सामान मिल गया। जैसा आप सबको पता है कि हमारी रीपर्चेज स्कीम होती है, अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग है तो उनको एक ज्वाइनिंग स्कीम मिलती है जिसमें 10% के लगभग का फ्री सामान मिलता है, और ज्वाइनिंग करने के बाद फिर रीपर्चेज स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको 300 रुपए का फ्री सामान मिलेगा। इसके बाद हमें परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा, जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे उसके बेसिस पे हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। अगर आपका लेवल 11% है तो आपको 198 मिलेगा। अगर आपका अभी लेवल 5% है या 11% से कम है तो आप नेचुरली बहुत जल्द 11% पे पहुंच जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन 11% लेवल के लिए है। तो ये टोटल हो गया 1098। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल बचत हो गई आपकी 4392 रुपए, मतलब 4392। इसमें आपको 2500 रुपए का सामान फ्री मिल गया। अब ये ऐड कर दीजिए, ये हो गया 6892, 6892 रुपए। और आपने खर्चा कितना किया, 12000 रुपए। इसको डिवाइड करके देखिए, उसका परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज आगे 57%। तो आप देखिए 57% आपको कहीं मार्केट में मिल सकता है क्या, कोई लाला जी आपको दे सकते हैं क्या 57%? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए 57% क्या आपको मिल सकता है कहीं पे। तो देखिए यही है जो ये एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि सामान बहुत महंगा है, और एमआरपी से 57% सेविंग होना एक बहुत ही मायने रखता है। तो जैसा सर ने पहले पूछा था साबुन के रेट, चाय के रेट और पेस्ट के रेट, तो देखिए साबुन किसी को पता है कि उसका एमआरपी कितना है, 54 रुपीज है। 54 माइनस 57% आप करिए, 23 रुपीज की आपको पड़ती है। वहीं 160 जो चाय का प्राइस है उसका एमआरपी है, आप चेक कर लीजिएगा, उसमें आप 57% माइनस करिए, आपको बैठेगी 68 रुपीज। तो देखिए इतना अच्छा डिस्काउंट आपको मिलता है, इतनी अच्छी बचत होती है, और तो ये सभी को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 100 पीवी का ऑर्डर कैसे बनाए, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाए। तो इसमें देखिए ये भी मैं कुछ अभी टिप्स आपको नेक्स्ट स्लाइड के बाद दूंगा, उसमें आपको बहुत आसानी से आप बना पाएंगे 100 पीवी का ऑर्डर। तो देखिए एक हमारी 60 पीवी की स्कीम होती है, 60 पीवी स्कीम में भी फायदा है, लेकिन सबसे बेस्ट है 100 पीवी। 60 पीवी की कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ।
इसमें आपको जो सामान खरीदेंगे आप लगभग 2400 रुपये एमआरपी का खरीदेंगे, जिसमें आपकी बिलिंग होगी 2000 रुपये की, मतलब आपको डिस्काउंट करके रिटेल प्रॉफिट करके 2000 रुपये देने होंगे। आपका खर्चा होगा टोटल 8000 रुपये और बचत होगी, सबसे पहले तो आपको 400 रुपये का बेनिफिट मिलेगा रिटेल प्रॉफिट के रूप में, 200 रुपये का फ्री सामान मिलेगा री परचेज स्कीम के तहत, और परफॉर्मेंस बोनस 11% के हिसाब से आपको मिलेगा 118 रुपये। तो ये टोटल बचत हो गई 718 रुपये, इंटू 4 कर दीजिए, 4 महीने में बचत होगी आपकी 2872 रुपये, 2872। 1250 का जो आपको पैक फ्री मिल रहा है उसको इसमें ऐड कर दीजिए, टोटल हो गया 4122 रुपये। इसको डिवाइड करिए 8000 से, अभी भी मिल रहा है आपको 52%, 52% अभी भी बचत हो रही है, मतलब मोर देन 50%, चाहे आप 100 पीवी लें या 60 पीवी लें तब भी मिल रहा है। और देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, 100 पीवी स्कीम अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग होती है तो वो पूरे महीने एप्लीकेबल है, उसके लिए पूरा महीना खुला है, आप 1 से लेकर 31 तक मल्टीपल बिल्स में उसको 100 पीवी करा सकते हैं। जो ज्वाइंट है, जिनकी पहले महीने जिनकी आईडी एक्टिव हो चुकी है, उनके लिए 12 तारीख से पहले करना होता है, लेकिन पहला महीना चाहे वो 100 पीवी लें या 60 पीवी लें, सबके लिए खुला हुआ है और वो मल्टीपल बिल्स में पूरे महीने के अंदर करा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप उनको बेनिफिट दिला सकते हैं। और देखिए ये जो बचत है 57% और 52% की, ये तब है जब आप अपनी खुद की खरीदारी कर रहे हैं, मतलब ये फायदा तो तब हो रहा है अगर आप एज अ यूजर कर रहे हैं। अगर आपने नेटवर्क बना दिया तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ये 50 का 100% से पार कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो भी हमारे लीडर्स हैं जो यहाँ से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, वो 100 पीवी की स्कीम जरूर लेते हैं, और ऐसे नहीं कि वो लाखों रुपए का सामान खरीदते हैं, वो 100 पीवी की स्कीम या 200 पीवी की स्कीम लेते हैं और उनको ये इनकम होती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उनको कितनी बचत होती होगी, उनका ये 100% के कितने ऊपर पहुंच जाता होगा। तो यही तरीका है कि आप 100 पीवी 60 पीवी स्कीम जरूर लें, सबसे बेस्ट नो डाउट 100 पीवी स्कीम है। और देखिए इसमें आप हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिसमें हम अपनी पसंद से कोई भी सामान ले सकते हैं। तो पहले अगर आप 2 साल पहले की बात करें तो इतनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन तब भी लोग कंसिस्टेंसी करते थे। आप लोगों के लिए बहुत सारी वैरायटी है। आप एक थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग और ज्यादा करिए कि हेल्थ सप्लीमेंट्स को अवॉइड मत करिए। हेल्थ सप्लीमेंट्स अगर आपकी टीम में कोई ले नहीं रहा है, इसका मतलब आपकी ट्रेनिंग सही नहीं है। आप हेल्थ सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग अटेंड करिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट्स की बिलिंग करा सकें। क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि हेल्थ सप्लीमेंट्स केवल बीमारों के लिए नहीं, स्वस्थ इंसान भी ले सकता है, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आपके जो 100 पीवी का ऑर्डर में हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है, पूरी की पूरे हेल्थ सप्लीमेंट्स मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ पार्ट उसका हेल्थ सप्लीमेंट का जरूर होना चाहिए। बाकी होम केयर के आइटम आप डाल सकते हैं, पर्सनल केयर के आइटम्स आप डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप केवल उनको पर्सनल केयर के आइटम या होम केयर के आइटम यूज करा रहे हैं तो वो इतना बार बार नहीं कर पाएंगे, आपको उनको हेल्थ सप्लीमेंट जरूर करना पड़ेगा। इसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। देखिए हेल्थ सप्लीमेंट्स एक हम किसी जरूरत की वजह से लेते हैं कि हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है या हमारे कोई घर में बीमार है तब हम लेते हैं, लेकिन जो चाय है, अगर किसी के पास चाय खत्म होगी तो वो मतलब और रात को खत्म होगी, ऑड आवर्स में खत्म होगी, और कोई तभी उनके घर में रिश्तेदार आ गए, रिलेटिव्स आ गए, तो वो मार्केट से ले आएगा। लेकिन सप्लीमेंट ऐसी चीज है, सप्लीमेंट तो उसे वैसी से ही लेना होगा। तो इस वजह से आपको सप्लीमेंट्स की अगर नॉलेज नहीं है तो आप सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग लीजिए और 100 पीवी के ऑर्डर में सप्लीमेंट जरूर ऐड करिए। हर घर की जरूरत है, हर किसी को यूज करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या अडल्ट हो। और देखिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है, आप तो वो समझाने के लिए आप सबसे पहले जो हमारी परफॉर्मेंस बोनस टेबल है उस पर नजर मारिए कि जब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेवल 5% होता है और 8% पे जाने के लिए हमें 600 पॉइंट करने होते हैं टीम के साथ मिलके, 10% पे जाने के लिए हमें 1800 पॉइंट और करने होते हैं, मतलब टोटल 2400 पार जब हम करेंगे तब हमारा 10% हो जाता है। उसके बाद 5500 तक
पहुंचने के लिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर मतलब 11% पे पहुंचने के लिए हमें 3100 पीवी और करने होते हैं टीम के साथ जुड़ के। तो अगर आपको सही महीने में सफलता चाहिए तो आइडियली आपको हर महीने में ये लेवल क्लियर करना चाहिए। तो इसकी अगर एवरेज आप लगाएं तो हर महीने आपको 2000 पीवी की आदत डालनी होगी अपनी टीम में, क्योंकि ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करने के बाद आपको 2000 पीवी मेंटेन करना होता है। तो अगर आप शुरुआत से ही तैयारी करें कि आपके हर महीने 2000 पीवी के लगभग काम होता रहे तो धीरे धीरे वो डुप्लीकेट होगा और आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी लेवल क्वालिफाई करने के लिए। और ये 100 पीवी कैसे डिफरेंस क्रिएट करेगा वो ये कुछ एग्जांपल है, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि 100 पीवी के अगर आपकी टीम में 20 लोग भी हो जाएं जो 100 पीवी करते रहे 4 महीने तो वो 100 पीवी करते ही रहेंगे, तो 2000 पीवी 4 महीने तक आपको आता रहेगा। अगर आपको कुछ फास्ट काम करना है तो आप 45 लोग ऐसे तैयार कर लीजिए अपनी टीम में जो 100 पीवी की बिलिंग करें, और अगर आप अभी 5% पे भी हैं तो आप अगर एक महीने में 4500 पीवी कर लेंगे 45 लोगों के साथ मिलके, तो आप फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको रॉयल्टी इनकम मिलनी शुरू हो जाती है, जो कंपनी का टर्नओवर है उसका शेयर मिलना शुरू हो जाता है। तो देखिए कितना आसान है, अगर हम 100 पीवी के 45 लोग अपने टीम में तैयार कर लेंगे बार बार टीम मीटिंग ट्रेनिंग में लाके और उनको पुश करके ऑर्डर कैसे बनाना है 100 पीवी का वो उनको ट्रेनिंग दिला के, तो ये बहुत आसान हो जाएगा काम। तो 100 पीवी वेस्टीज बिजनेस की एक नींव है, और आप सभी जानते हैं नींव मजबूत होगी तो इमारत भी बहुत ही मजबूत होगी, उसको हिलाने वाला कोई नहीं है। तो आप 100 पीवी की स्कीम जरूर लीजिए और अपनी टीम में भी डुप्लीकेट कराइए, ऐसे लोग तैयार करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग 100 पीवी ले पाए। अब मैं कवर करूंगा फास्ट स्टार्ट 8%। देखिए कंपनी हमारी इतनी शानदार है कि हमें बहुत सारे प्रमोशन के लिए स्कीम्स देती है जिससे कि हम जल्दी से जल्दी ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करें और एक ऐसी अच्छी खासी इनकम की तरफ पहुंचे जो हम अपने परिवार के सपने पूरे कर सकें। तो सबसे स्टार्टिंग में एक फास्ट स्टार्ट 8% की एक स्कीम होती है, जो अगर हम अपने टीम में जो भी लोग आएं जो सबसे पहले ज्वाइन करें उनको अगर हम फास्ट स्टार्ट 8% पहले ही करा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए जैसे हाई स्कूल इंटर के मार्क्स हमेशा पूछे जाते हैं जब भी हम जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाते हैं, तो हमेशा हमें अपने बायोडाटा पे हाई स्कूल मतलब 10th क्लास और 12th क्लास के मार्क्स लिखने होते हैं, वैसे ही जब भी हम स्टेज पे जाएंगे वेस्टीज में हमें फर्स्ट पहले महीने की इनकम बोलनी होती है। अगर आप अपनी टीम में सभी लोगों को पहले महीने में फास्ट स्टार्ट 8% करा देंगे तो उनकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी और वो हमेशा जब भी स्टेज पे जाएंगे आपको याद करेंगे। तो फास्ट स्टार्ट 8% समझाने से पहले मैं सबसे पहले परफॉर्मेंस बोनस फिर से आपको बताना चाहूंगा, जिसमें आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपका लेवल 5% होता है, टीम के साथ जुड़ के महीने के महीने आप 600 पॉइंट पार करते हैं तो आपका लेवल हो जाता है 8%। जब आप टीम के साथ जुड़ के 2400 पार करेंगे आपका लेवल हो जाएगा 10% का, और टीम के साथ मिलके 5500 जब पार करेंगे तब आपका लेवल हो जाएगा 11%। मतलब 8% नॉर्मली करने के लिए आपको 600 पॉइंट ऐड करने होते हैं, इकट्ठा करने होते हैं। लेकिन कंपनी की एक स्पेशल स्कीम है जिसमें फास्ट स्टार्ट 8% का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आपने एक ही महीने में 282 पीवी कर लिए 282 पीवी कर लिए टीम के साथ मिलके, तो आपको 8% लेवल प्रमोट कर दिया जाता है और आपको 750 रुपये डीपी का सामान फ्री मिलता है। तो देखिए फायदा ही फायदा है, जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो आपको इनकम मिल रही है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको 750 रुपये डीपी का सामान फ्री मिल रहा है और पहले महीने में ही इतना फायदा हो जाएगा तो सभी लोग काम करना चाहेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन समझिए, इससे और क्या फायदा होगा आपको, कितनी बचत होगी। देखिए इसमें करना क्या है कि आप 100 पीवी से स्टार्ट करेंगे और आप अपने ही जैसे दो लोगों को इस बिजनेस में लेके आएंगे, वो भी 100 पीवी से स्टार्ट करेंगे, तो आपकी जो इनकम होगी अपनी खुद की खरीदारी पे वो मिलेगा आपको। क्योंकि देखिए आपने 300 पॉइंट कर लिए, आपने 282 पार कर लिया, नॉर्मली आप करते हैं तो आपको 600 पॉइंट करने होते हैं, लेकिन आपने 300 पॉइंट कम करके ही आपने फास्ट स्टार्ट 8% कर लिया,
आपको अपनी खरीदारी का मिलेगा 100 × 18 × 8%, मतलब ₹144। आपके जो टीम मेंबर ए है वो अभी भी 5% पे है, तो आपको उनका 3% शेयर मिलेगा, जिसमें 8 - 5 मतलब 3%, 100 × 18 × 3% मतलब ₹54 उनसे मिलेंगे। इनकम फ्रॉम बी, बी भी अभी 5% पे है, उनसे भी आपको 3% मिलेगा, मतलब ₹54। ये टोटल आपके खाते में आएंगे ₹252, और ₹252 पहले महीने में अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छी इनकम है। आप लालाजी की दुकान से खरीद रहे थे, वो तो ₹54 भी नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको पहले महीने में ही ₹252 आपके खाते में आ गए। उसके अलावा क्या फायदा होगा, आपको एक ज्वाइनिंग स्कीम मिलेगी जिसमें आपको लगभग ₹300 का सामान फ्री मिलेगा। आपको जो फास्ट स्टार्ट बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपको ₹750 डीपी का सामान फ्री मिलेगा, ये भी फायदा मिल गया आपको। और जो आपको 100 PV करने की वजह से आपकी कंसिस्टेंसी स्कीम भी चालू हो गई, जिसमें 4 महीने कंटिन्यू करने के बाद आपको ₹2500 का सामान फ्री मिलेगा। 2500 / 4 कर दीजिए, ये आ गया ₹625, और ये टोटल बेनिफिट हो गए ₹1675। ₹252 आपके खाते में आए और ₹1675 का आपको फायदा हो गया, टोटल फायदा हो गया ₹1927। आपने खर्च कितना किया ₹3000, और आपको आपकी फायदा कितना हो गया ₹1927। तो देखिए कितना और फायदा हो गया। अगर सिंपल आप कंसिस्टेंसी स्कीम लेते हैं तब आपको 57% हो रहा है, अगर आप फास्ट स्टार्ट कराते हैं तो आपको और फायदा हो रहा है। तो देखिए ये लगभग अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये बैठेगा 64% के लगभग का। तो देखिए आपका और फायदा बढ़ता जा रहा है अगर आपने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। अब मैं आपके बीच पेश करना चाहूंगा 3 महीने का प्लान। जैसे हम सब 3 महीने के प्लान पे काम कर रहे हैं, 3 महीने में ही अगर आप एक अच्छी खासी इनकम पे पहुंचना चाहते हैं तो ये अगर आपने प्लान फॉलो कर लिया तो आपको एक बहुत ही अच्छी इनकम हो जाएगी। और आपने ये अगर अपनी टीम में डुप्लीकेट करा लिया तो आपको टीम रुकेगी नहीं, भागती रहेगी, और आपका सारे लेवल्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी टीम में भी होंगे और आपका भी बहुत जल्दी एक अच्छी खासी इनकम पे आप पहुंच जाएंगे। तो 3 महीने में ही अगर आप एक अच्छी इनकम पे पहुंचना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो करिए जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसमें करना क्या है, आपको 100 PV से स्टार्ट करना है, मतलब 3000 से 3200 का सामान खरीदना है, और अपने कॉन्टेक्ट में से, चाहे वो मोबाइल में हो या फेसबुक पे हो, सोशल मीडिया पे हो, उसमें से 4 लोगों को इस बिजनेस में लेके आना है, और सभी को कंसिस्टेंसी स्कीम दिलानी है, ज्वाइनिंग स्कीम दिलानी है। तो आपके टोटल पॉइंट हो जाएंगे 500, और फास्ट स्टार्ट 8% के हिसाब से आपका लेवल 8% हो गया। अगर आप नॉर्मली करते तो आपको 600 पॉइंट करना होता, लेकिन आपने क्योंकि फास्ट स्टार्ट 8% लेवल ले लिया तो आपको 500 PV पे ही 8% मिल गया। तो आपको खुद की खरीदारी का मिला ₹144, और जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनसे मिले आपको ₹216। आपका पहला महीने का चेक हो गया ₹360। तो देखिए पहले महीने का अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपका चेक साइज और ज्यादा हो जाएगा। जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो अलग है, इसमें केवल जो आपको अकाउंट में पैसा आएगा वो मैं बता रहा हूँ, और जो बाकी जो बेनिफिट्स हैं, जो स्कीम्स मिलेंगी वो अलग है। दूसरे महीने में क्या होगा, दूसरे महीने में कोई रुकेगा नहीं, जो आपके ए बी सी और डी जो ज्वाइन हुए थे लास्ट मंथ उनसे भी हम बोलेंगे, उनसे भी डुप्लीकेट कराएंगे, और उनसे भी बोलेंगे अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट में से 4 लोगों को इस बिजनेस में लेके आए, और सभी लोग 100 PV से स्टार्ट करें। तो आपका देखिए इस महीने क्या होगा, पिछले महीने आपके 500 पॉइंट थे, इस महीने आपके 2100 पॉइंट हो गए, टोटल पॉइंट हो गए 2600 पॉइंट, आपका लेवल हो गया 10%। तो आपको और आपके जो टीम मेंबर्स हैं, जो आपके ए बी सी और डी हैं, उन्होंने पिछले महीने किए थे 100 PV, इस महीने 400 पॉइंट हो गए, टोटल हो गए 500 पॉइंट। क्योंकि देखिए वेस्टीज में यही खास बात है कि आपके पिछले महीने का काम भी यहाँ पहले वाला रिपीट करना है, मतलब फर्स्ट मंथ का, चलिए मैं फर्स्ट मंथ का फिर से कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट मंथ में क्या है, आपको ज्वाइन करना है, अगर आप आपका फर्स्ट मंथ है आपको 100 पीवी से स्टार्ट करना है, और आपको 4 लोगों को इस बिजनेस में लेके आना है। तो चारों लोग 100 पीवी से स्टार्ट करेंगे, 100 पीवी की कंसिस्टेंसी स्कीम लेंगे। तो जैसा आपको पता है कि यहाँ पे आपके टीम मेंबर्स जो भी काम करते हैं, चाहे वो किसी भी डेप्थ में हो, सबके पॉइंट्स आपके ग्रुप पीवी में भी जुड़ते हैं। तो आपके पॉइंट्स हो गए 500 पॉइंट, 500 पीवी।
क्योंकि 100 पीवी आपके खुद थे और जो ए बी सी और डी चारों लोगों ने 100 पीवी ईच किया तो टोटल हो गया 400 प्लस 100 500 पीवी, तो आपका लेवल हो गया 8%। आपको खुद की खरीदारी का मिलेगा 100 × 18 × 8% मतलब ₹144। जो आपके टीम मेंबर्स हैं हर किसी से आपको 3% का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो अभी भी 5% पे हैं, आप 8% पे हैं, तो आपको डिफरेंशियल मिलेगा 8 - 5 मतलब 3, 3, तो आपको मिलेगा 100 × 18 × 3% × 4 ये हो गया ₹216। इसको ऐड कर दीजिए टोटल हो गए ₹360। इसके बाद फिर से दूसरे महीने में चार चार लोग फिर से ऐड होंगे, जो पिछले महीने आपने नए इस बिजनेस में लेके आए थे सभी लोग चार चार लोग ऐड करेंगे इस बिजनेस में लेके आएंगे। और आपके देखिए पिछले महीने कितने थे 500 पॉइंट, इस महीने आपके हो गए 2100 पॉइंट क्योंकि सबके पॉइंट्स आपके में भी ग्रुप पीवी में ऐड होंगे। आपके टोटल हो गए 2600 पॉइंट और परफॉर्मेंस बोनस टेबल के हिसाब से आपका लेवल हो गया 10%। आपके जो टीम मेंबर्स हैं ए बी सी और डी इमीडिएट जो आपके डाउनलाइन है उन्होंने पिछले महीने केवल अपनी सेल्फ बिलिंग कराई थी, 100 पीवी की खरीदारी करी थी, लेकिन इस महीने उन्होंने चार चार लोगों को ऐड कर दिया है तो इस महीने उन्होंने 400 पॉइंट और इकट्ठा कर लिए तो आपके टोटल हो गए 500 पॉइंट। लेवल हो गया आपका 8% आपके टीम मेंबर्स का, तो आपको मिलेगा अपनी खुद की खरीदारी का 10% के हिसाब से 100 × 18 × 10% मतलब ₹180। और आपकी टीम मेंबर्स का मिलेगा 2000 पॉइंट के हिसाब से मतलब ₹720 क्योंकि अब उनका लेवल 8% हो चुका है, आपको 2% का बेनिफिट मिलेगा, टोटल आपके हो गए ₹900। तो देखिए दूसरे महीने में आप ₹900 पर पहुंच गए, लेकिन तीसरे महीने देखिए क्या होगा, तीसरे महीने पिछले महीने के नए लोग फिर से चार चार लोग इस बिजनेस में लेके आएंगे और सभी लोग 100 पीवी का सामान खरीदेंगे, लेकिन कैलकुलेशन इस बार देखिए क्या होगी, पिछले महीने तक आपका क्यूमुलेटिव पीवी जो था 2600 पीवी था, इस मंथ आपने 8500 पीवी कर लिए, 8500 पीवी, टोटल पॉइंट हो गए आपके 11100, 5500 पार कर लिया आपने, आप बन गए ब्रॉन्ज डायरेक्टर, 11% लेवल आपने पार कर लिया, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए और आपको रॉयल्टी इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी, अब आप कंपनी के टर्नओवर के हिस्सेदार बन जाएंगे। आपके जो टीम मेंबर्स हैं ए बी सी और डी उन्होंने पिछले महीने 500 पॉइंट क्यूमुलेटिव टोटल किया था और इस महीने 2100 पॉइंट कर लिए, टोटल पॉइंट हो गए 2600 पॉइंट, इस महीने वो बन गए 10% लेवल पे आ गए। आपको खुद की खरीदारी का मिला 11% के हिसाब से ₹198, बाकी जो आपके ए बी सी और डी थे उनका आपको शेयर मिलेगा 11 - 10 मतलब 1% के हिसाब से ₹1512। अब आपकी जो हिस्सेदारी है वो चालू हो चुकी है, आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलेगा, कंपनी का जो भी महीने का टर्नओवर होगा उसका शेयर मिलना शुरू हो जाएगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के रूप में, जो जिसकी कीमत लगभग ₹13,770 है, ये कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, ये कंपनी के टर्नओवर अगर ज्यादा होगा तो ये शेयर ज्यादा होगा, कम होगा टर्नओवर तो कम होगी, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि वेस्टीज का टर्नओवर कभी कम नहीं हुआ है, हमेशा ज्यादा ही होता है, तो ये आपकी इनकम ग्रो होती रहेगी। इसके बाद आपको टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा क्योंकि आप टीम बिल्डिंग बोनस में अगर आप एक महीने में 2600 पॉइंट से ज्यादा क्वालिफाई करते हैं तो आपको टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलता है, तो आपको मिलेगा ₹6,885 का टीम बिल्डिंग बोनस, तो टोटल कितना हो गया ₹22,365। तीन महीने में ₹22,365 आपको मिल रहे हैं और ये ना तो किसी जॉब में ना ही किसी बिजनेस में मिल सकता है, ये तीन महीने में बिजनेस में ही मिलेगा, तो आपको बहुत मोटा पैसा लगाना पड़ेगा और तीन महीने में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको ₹22,365 इनहैंड आ जाए। यहाँ पे बिना पैसा लगाए आपको ₹22,365 आ रहे हैं और अगले महीने क्या होगा, जो आपके चारों जो इमीडिएट टीम मेंबर्स है उनको भी 22,365 आएंगे और आपका लेवल क्या होगा वो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आपकी इनकम कितनी होगी वो भी आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये तीन महीने में इतना करना मायने रखता है। तो ये जो हमारी कंसिस्टेंसी स्कीम है ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है
और इसमें जरूरी नहीं है कि आप सारा सामान अपने घर में यूज करें, वैसे करना शुरू करेंगे तो हो जाएगा। जब से मैंने ज्वाइन करा है तब से मैंने कंसिस्टेंस स्कीम कभी भी मिस नहीं करी है, और एक से स्टार्ट किया था, अब दो या तीन हो ही जाती है, और लगभग थोड़ा साइकिल ऐसी हो जाती है कि एक महीने हर महीने ही लगभग वो मिल जाता है, मतलब एक महीने वाउचर मिला 2500 का, अगले महीने भी मिल गया। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है जब 2500 रुपए का सामान आता है घर में, तो काफी अच्छी फीलिंग आती है। और होता क्या है कि देखिए बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है और उसमें बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी जैसे MBA है वो भी कोई अगर ज्वाइंट है MBA तो वो बुरा अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन MBA तक पहुंच के भी काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब भी कैसे वो स्वीपर की नौकरी भी करने को तैयार है, और कोई भी किसी भी टाइप की नौकरी करने को तैयार है। तो वैसे मैं सभी प्रोफेशंस को रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और बिजनेस भी है मेरा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि 22,362 किसी को भी नहीं मिल सकते। जब मैंने ट्राई किया था जॉब ढूंढने का तो 10,000 रुपये भी मुश्किल से मिल रहे थे, और लेकिन क्योंकि फैमिली बिजनेस था तो फैमिली बिजनेस में लग गया, और वहाँ इतने उतार चढ़ाव होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये एक साफ सुथरा काम है जहाँ पे सब लोग एक दूसरे की सफलता के लिए काम करते हैं। तो ये 3 महीने में आपको 22,365 मिल सकता है, 4th महीने में आपकी इनकम बहुत ज्यादा शूट कर जाएगी, जिसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो मेरा सेशन यही तक था, मुझे आशा है कि मैं आपको काफी कुछ क्लियर कर पाऊंगा, और जुलाई के महीने में आपका रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस होगा। थैंक यू ऑल, विश यू वेल।